इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। और हर स्टेट में जिस तरह जो बिल काउंसलर में बिल लिया गया और वो भी काफ़ी तकलीफ देने वाली एक सरकार बीजेपी सरकार, उसे स्टेट से जाना पड़ेगा। अगर यहाँ मिलता हमें कांग्रेस के हमें उम्मीदवार सतीश कार्यकारिणी को आप जिताएंगे तब हिंदुस्तान में कैसे जाएंगे। आज तीन इलेक्शन चल रहे हैं, नए इलेक्शन एक बलराम लोकसभा, बसवा कल्याण और मस्की। बसवा कल्याण और मस्की में 100% हम लोग जीत रहे हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप लोगों के। अब सतीश यादव जब हम जीतेंगे तो सिर्फ उस बाबा के वोटर से उनकी जीत होगी, क्योंकि जितने भी वोट पड़ते हैं उस बाबा के उससे कांग्रेस पार्टी नेताओं को जो हमने कहा है, पिछले मीटिंग में हमने कहा है, एक ही कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी जो 100% कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है उसको उस बाबा को। पिछले इलेक्शन में जब 80 सीट हम जीते थे, अगर मुसलमान मोर देन 99% कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, इसीलिए हम लोग 80 सीट पर पहुँच गए। अगर मुसलमान वोट नहीं देते हम 40 में लुट जाते। ये बात हमने नहीं कह रहे, कांग्रेस प्रशासन ने कहा है, सोनिया गांधी ने कहा है और जितने भी प्रणाली के लीडर चाहे सिद्धारायण हो या शिव कुमार हो, बिल्कुल मानते हैं कि सिर्फ मुसलमान की वजह से आज हम जीत है। और आने वाले भी दिन भी कर्नाटक अगर हुकूमत बनाना है वो इसे मुसलमानों में जैसे हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे कर्नाटक। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चेयरमैन साहब को सुनने के लिए, सलीम साहब को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में पहले रोजे की इफ्तार के होने वाली मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में हम लोगों को अच्छे काम करना चाहिए और ऊपर वाले की मेहरबान से बहुत ही अच्छा काम 17 तारीख को आ रहा है। 17 तारीख की सुबह सहरी के बाद नमाज होती है, नमाज के बाद थोड़ी सी तिलावत होती है, तिलावत के बाद सीधे बूथ पहुंचने का काम करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक ही दिन के लिए तकलीफ उठाने के लिए बोल रहे हैं हम आपसे, इसलिए कि जो मौजूदा हालात हैं देश में उन हालात को देखते हुए जो हम लोगों के ऊपर धब्बा लगा कि हम झूठे हैं, हम फरेबी हैं, हम धोखा देते हैं। धोखे से मुझे एक छोटा सा शेर याद आता है, हमने अपने किरदार की अजमत को गिरने नहीं दिया, हमने अपने किरदार की अजमत को गिरने नहीं दिया। धोखे तो बहुत खाए मगर धोखा नहीं दिया। मुसलमान किसी पर धोखा नहीं देता, जब वादा करता है तो उस वादे को निभाता है। इसलिए हमको एक बार फिर दिखाना है इस बार कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को वोट करेंगे,
कांग्रेस के उम्मीदवार को भी जिताएंगे। आप काफी कुछ हिम्मत लोग हैं कि आपके सामने दो बड़ी शख्सियतें जो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रही है, कर चुकी है, जनाब सलीम अहमद साहब और हमारे कायद जनाब नदीम जायद साहब आप तक आए हैं। इनकी मौजूदगी, इनका यहाँ आना ये साबित करता है कि आने वाले जो लोकसभा के हमारे बाई इलेक्शन है 17 तारीख को जो वोट हमारी देने की मुहिम है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में होने जा रही है, ये इसका एक सबूत है। और मुझे ऐसा लगता है इस नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिरोज सईद साहब जो चीज बोलते हैं वही चीज होती है, उसमें साथ देते हैं हमारे राजू सईद साहब। तो फिरोज सईद साहब एक कांग्रेस के ऐसी शख्सियत है जिसने कांग्रेस के लिए अपना तन मन और धन दे चुका, और 17 तारीख को एक तारीखी काम में यही लोगों की टीम यहाँ पर करने जा रही है। और बेलगांव नॉर्थ जो है, जो सेठ साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूर सतीश अन्ना झारखेड़ी साहब भारी अक्सरियत से वोट लेने वाले हैं, और 2 तारीख को जब काउंटिंग होगी उस काउंटिंग में आप लोगों को दिखेगा सतीश अन्ना झारखेड़ी लोकसभा में आपकी नुमाइंदगी करने के लिए पहुंचे हुए नजर आएंगे। एक बात मैंने हमेशा आप सबके बीच में कहा है कि मेरे अहदे से बढ़ के जमात के सदर, जमात की कमेटियां और जमात के लोग जो है वो एक एमएलए के पोस्ट से बढ़ के मेरे घर में आप रहे हैं, और आपके ही रहबरे में हमने काम किया है, रोज काम किया है आज। और आपकी बड़ी बरकत है आपका कि हम बुलाए आप आ जाते हो, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए कि आप बुलाए और हम आए, होगी हो चुका है बहुत बार, जब भी आप बुलाएंगे आप इच्छा का जरूर हाजिर रहेंगे, ना सिर्फ मैं नदीम साहब भी रहेंगे आपके बीच में, जब भी आपको लगेगा कि भाई आप आए तो थे 2021 के बाई इलेक्शन में, अब मुसीबत का वक्त है, अब भी आ जाए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबसे मैं तो जानता हूँ आप तो वोट करेंगे ही, आप क्योंकि जिम्मेदार है अपने अपने मोहल्ले की, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोग बाहर आए इस नाम से वोट करें, वापस अपने घर जाए, कोई भी ऐसी उम्मीद ना हो जिस पर इलेक्शन की वोट दिए हुए परेशान ना हो, इतना ही आपको देखना है। बाकी लोग जाएंगे बाहर तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, तो प्लीज़ वोट पर कांग्रेस कहना ये गलत होगा मेरे तरफ से। मैं आप ये परसेंटेज का मामला है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हम वोट करवाएं। कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस के बाहर खासतौर से हमारे जैसे लोग जब काम करते हैं या कभी की तबके के ताल्लुक रखने वाले लोग काम करते हैं तो शायद लोगों की निगाह ज़्यादा हो कि हम किस तरह का काम करते हैं, हमारे स्किल्स क्या है, हमारे मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे कुछ ही इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर की लीडरशिप, चाहे वो बहादुर मोहतरम अहमद पटेल साहब हो, अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, चाहे आजाद साहब हो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब हो, चाहे सलीम अहमद साहब हो, चाहे फिरोज साहब हो, जिन लोगों को भी कांग्रेस की लीडरशिप ने जिम्मेदारी दी है उन्होंने कौम का भी नाम रोशन किया है और उन्होंने भूल का नाम रोशन किया। तो लहू तजुर्बा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुबान नहीं होता, जहां भी होगा वही रोशन बताएगा, किसी चराग का कौन का नहीं। ये जो आजाद आप तशरीफ रखते हैं ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, और मैं पब्लिक मीटिंग वाली तकरीर यहाँ करना चाहता हूँ, इस पर तालियों में ये जितने लोग बैठे हैं ये मुफक्किर हैं, ये दानिश्वर हैं, ये समाज के जिम्मेदार हैं, और जो रास्ता आप दिखाएंगे कौम को, मुल्क को, उस रास्ते पर चलने का काम ये मुल्क भी करेगा और भी करेगा। ये रांची का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 17-18 रियासतों में हम लोग घूमे,
एक बात हमने महसूस किया है कि हाँ, हिंदुस्तान के संविधान के पन्नों पर हमला करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इस मुल्क के दलितों को, इस मुल्क के पिछड़ों को, इस मुल्क के मुसलमानों को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और उसका एक ही नजरिया है कि हिंदुस्तान का संविधान जो हिंदू और मुसलमान को बराबर करता है, जो दलित और ब्राह्मण को बराबर करता है, जो मर्द और औरत को बराबर करता है, जो गरीब और अमीर को बराबर करता है, उस संविधान के पन्नों पर हमला करके उसको कमजोर कर दिया जाए और संघ के नजरिए फिक्र के 100 करोड़ हिंदुत्व की राजनीति को खड़ा करने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव के नतीजे उस मिजाज को बदलने का काम करें। अभी आसाम में हम लोग घूम कर आए, चुनाव में 15 दिन बाद में रहे, CA NRC के नाम पर जिस तरह से सुल्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से योगी की सरकार सुल्म कर रही है, क्योंकि मैं वहां से ले मिला और रोज लड़ाई लड़ते रहते, हिंदुस्तान की दूसरी रियासत में जहां जहां बीजेपी की सरकार जिस तरह से कमजोरों का हमला हो रहा है, एक ही रास्ता है और वो रास्ता जमहूरियत का है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और शहर के सदर भी है राजू भाई, और मुझे खुशी है दोनों भाई की जोड़ी, लोग कहते हैं कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी सबसे अच्छी जोड़ी, उसी तरह की जोड़ी। और मुझे खुशी है कि आज यूथ कांग्रेस के भी झंडे लगे हुए, हम लोग भी यूथ कांग्रेस से निकले, सलीम भाई एनएस भाई के अध्यक्ष के बाद यूथ कांग्रेस के महामंत्री बने ऑल इंडिया के, मैं भी एनएस भाई का अध्यक्ष बनने के बाद यूथ कांग्रेस का महामंत्री बना, और यूथ कांग्रेस का महामंत्री बनते हुए मैं विधायक भी बना। तो यूथ कांग्रेस के झंडे आपके बेटे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, मैं उनको भी उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ। कहाँ है छोटे भाई कि आपने सिर्फ ऐसा नहीं कि जमीन से अपने घर में अगर एक ही बेटा है तो उस बेटे को भी बनकर बनाने की कोशिश की, एक्टिविस्ट बनाने की कोशिश की, धन्यवाद पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अजीज कि आप सब लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए रहेंगे, फिरोज साहब को, राजू भाई को और कांग्रेस के तिरंगे झंडे को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए यहाँ से पैगाम देंगे। आपका पैगाम हिंदुस्तान के आवाम का पैगाम होगा, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों का पैगाम होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और सब तो लोग तैयार हैं तो मेरा हाथ उठा के समर्थन कर दिए, दोनों हाथ, एक हाथ से बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत फोटो जरूर खींचिए, इसका बड़ा यादगार तो हमारे सब लोगों ने हाथ उठाया है और ये हाथ इंशाल्लाह अजीज वो के लिए भी है और दुआ के लिए।